तो वेलकम बैक। आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी लास्ट वीडियोस में हो चुका है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर सी। और स्टेटमेंट क्या थी? स्टेटमेंट है एक्सपेंड और सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमने इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, ये जो पार्ट लिखे हुए हैं, इनको सिंप्लीफाई करके दिखाना है। और एक्सपेंड का मतलब है जहाँ पर ब्रैकेट्स आएंगी वहाँ पर हमने उनको ओपन करना है और उनको सिंप्लीफाई करके दिखाना है। तो मैंने पार्ट नंबर सी बोर्ड पर लिख लिया है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका पहले पार्ट नंबर सी। तो ये है मेरे पास पार्ट नंबर सी, y प्लस ब्रैकेट्स माइनस 3y स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज प्लस 2 ब्रैकेट्स y स्क्वायर माइनस 6y। तो ये मेरे पास सवाल है जिसको मैंने सॉल्व करके दिखाना है। इसमें सबसे बात इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पढ़ना भी आना चाहिए और आपको ये पता भी होना चाहिए ब्रैकेट्स का क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे। जैसे अगर हम इस पार्ट को देखें तो 2 ब्रैकेट्स के बाहर है, इसका मीनिंग ये है कि 2 वाई स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 6y से मल्टीप्लाई होगा, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, यानी 1 कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे जस्ट माइनस 3y स्क्वायर है। अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ उसके साथ तो 1 कंसीडर होता है, और इसका मतलब है इसमें मल्टीप्लाई होने के बाद कोई भी चेंज नहीं आने वाला। तो सबसे पहला काम है हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और उसको ओपन करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा, मैं इस y को वैसे नोट डाउन कर लूँगा, प्लस माइनस माइनस, मैं कल बता चुका हूँ आपको लास्ट वीडियोज़ में कि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस माइनस और 3y स्क्वायर को उतार लेंगे। यहाँ पे प्लस वैसे ही उतारेंगे क्योंकि ब्रैकेट्स के बाहर प्लस का साइन है, इसका मतलब है अंदर कोई भी साइन चेंज होने वाला नहीं है। अगर ब्रैकेट्स के बाहर जो भी नंबर लिखा हो या ना लिखा हो उसके बाहर यहाँ पे माइनस का साइन आए अपीयर हो तो इसका मतलब होगा जब भी आप ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करेंगे ओपन करेंगे अंदर आपको साइन तब्दील करने पड़ेंगे। तो ये 2 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इसको मैथमेटिक्स में हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको क्या बताता है? वो ये बताता है कि अगर आपके पास कोई ब्रैकेट्स हैं और उसके बाहर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई नंबर है, तो वो दोनों से सेपरेटली मल्टीप्लाई होगी। यानी ये 2y से सेपरेटली मल्टीप्लाई होगा और ये वाला 2 6y से सेपरेटली मल्टीप्लाई होगा। इसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हम यही करने जा रहे हैं। तो 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर से, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर। क्योंकि बाहर प्लस है तो अंदर कोई भी साइन चेंज होने वाला नहीं है, हम माइनस को वैसे ही लिखने वाले हैं। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6y से, तो y से तो हम नहीं कुछ एक्स्ट्रा लिख सकते y के लिए, तो y तो वैसे ही आएगा। तो नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं 2 6 टाइम्स। तो 2 6 टाइम्स यहाँ पे लिख लूँगा मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो मैंने इस 2 को y से भी मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 को 6 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, तो मैं इसको लिखूँगा वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर टाइम्स कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर, और 2 6 टाइम्स कितना हो जाएगा 12y। जब हम ये कर लेंगे इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो है लाइक टर्म्स अलग-अलग करना। लाइक टर्म्स का मतलब जो एक जैसी हो। मैं बता चुका हूँ ऐसे वेरिएबल्स जिनकी पार भी सेम हो और वो आपस में भी सेम हो, यानी उनकी बेस भी सेम हो, तो वो कहलाती हैं लाइक टर्म। यहाँ पर वाई की पार 1 है और यहाँ पर भी वाई की पार 1 है, इसका मतलब जो लाइक टर्म्स हैं, जो एक जैसी टर्म्स हैं, वो बनती हैं ये 2। तो हम पहले इनको सेपरेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे पहले y, जो भी नंबर है उसका बैक वाला साइन यूज़ करेंगे, माइनस 12y। अब सिर्फ 2 ही बची हैं और ये हैं भी एक जैसी क्योंकि यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो इन दोनों को भी नोट डाउन कर लेते हैं। तो माइनस, ये माइनस इसलिए लगाया कि मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ और इसके पीछे माइनस का साइन है, 3y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल के साथ कुछ ना लिखा हो तो आप उसको 1 कंसिडर किया करें, और उसके पीछे साइन भी नहीं है तो हम इसको यूज़ करेंगे प्लस, यानी प्लस माइनस। तो आप जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसका मतलब है आपको इन दोनों को करना है माइनस। तो 12 में से आप 1 माइनस कर दें तो वो आपके पास आएगा 11, क्योंकि आपने बड़ी वैल्यू में से, जो आप छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे होते हैं, तो साइन यहाँ पे आपको एक लगाना पड़ता है, और वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो साइन आप लगाया करेंगे हमेशा बड़ी वैल्यू का। तो 1 और 12 में से जो वैल्यू बड़ी है, जो बिगर वैल्यू है, वो 12 है, और इसके पीछे जो साइन मौजूद है वो माइनस है, तो यहाँ पर लगाऊँगा माइनस 11 और ये वाला वेरिएबल वैसे ही, यानी 11y। अब इन दोनों की बारी है, तो इधर भी प्लस है और माइनस है, यानी प्लस माइनस या माइनस प्लस कह लें, इसका भी मीनिंग यही बनेगा, इनको क्या करना पड़ेगा माइनस।
थ्री माइनस टू करें तो आपके पास आता है वन, वेरिएबल वैसे ही आएगा वाई स्क्वेयर, और साइन बड़ी वैल्यू का, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू बनती है वो बनती है थ्री, और उसके पीछे जो साइन है वो है माइनस, तो मैं यहाँ पे भी लिखूँगा माइनस। तो वैसे तो ये इनका आंसर आ चुका है, लेकिन आप इसको और भी अरेंज करके लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, पहले बड़ी पार्ट्स लिख लें उसके बाद छोटी पार्ट्स लिख लें। तो बड़ी पार है ये वाली, पहले मैं इस चीज़ को लिख लेता हूँ, बाद में इस चीज़ को लिख लेता हूँ। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, पहले ये वाली वैल्यू यानी माइनस वन वाई स्क्वेयर, और उसके बाद दूसरी वैल्यू माइनस इलेवन वाई। ये इसका क्या है आंसर। तो मैंने डी पार्ट अब लिख लिया है, अब हम इसका डी पार्ट इस तरह स्टार्ट करते हैं और इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है फाइव एक्स स्क्वेयर, पहले मैं इसको वैसे उतारने लिखा हूँ, फाइव एक्स स्क्वेयर वैसे लिख रहा हूँ, माइनस एक्स इसको भी वैसे लिख रहा हूँ। और अब आप देखें यहाँ पे ब्रैकेट्स आ रही हैं और ब्रैकेट्स के बाहर माइनस का साइन है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी ब्रैकेट्स के बाहर माइनस का साइन होगा और आप इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो फर्स्ट वन के साथ तो कोई साइन नहीं है, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी आपको पहले यहाँ पर लगाना पड़ेगा माइनस, और ये वाली वैल्यू लिखनी पड़ेगी एक्स स्क्वेयर। दूसरा जो है वो माइनस के साइन है, तो माइनस माइनस प्लस, ये बता चुका हूँ, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन एक्स। तो ये हमने कर ली ब्रैकेट्स को ओपन, इसको कहते हैं हमने इसको एक्सपेंड कर लिया। अब हमने फिर से लाइक टर्म्स ढूंढनी है, कौन सी टर्म्स हैं जो एक जैसी हैं। तो देखिए यहाँ पे भी एक्स के ऊपर टू है, यहाँ पे भी एक्स के ऊपर टू है, यानी ये दो लाइक टर्म्स बनती है और ये दो लाइक टर्म्स भी बनती हैं। यानी पहले हमें लिखने चाहिए बड़ी वैल्यू यानी स्क्वेयर वाले, फिर एक्स वाले। तो पहले लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम लिखेंगे पहले फाइव एक्स स्क्वेयर, और इसके साथ इसकी जो लाइक टर्म हमने ढूंढी थी वो है माइनस एक्स स्क्वेयर, तो वो लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वेयर। हर नंबर के जो उसके बैक पे साइन है वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। अब जब आप ये और ये यानी दोनों लिख ली हैं, अब आपके पास बचे हैं एक ये और एक ये, इनको भी आप इसी ऑर्डर में लिख लें, माइनस एक्स, और इसको भी लिख लें प्लस टेन एक्स। अब आपने जब सॉल्व करना है, ये प्लस फाइव है और ये माइनस है, इसके साथ एक्स स्क्वेयर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप अपनी आसानी के लिए वन लिख सकते हैं, यानी है प्लस माइनस, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो यानी प्लस माइनस, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी आपको माइनस करके दिखाना है। तो फाइव में से आप वन माइनस कर लें तो यहाँ पर आ जाएगा फोर, और एक्स स्क्वेयर वैसे ही लिखेंगे, और साइन बड़ी वैल्यू का, तो फाइव बड़ी वैल्यू है, इसके बैक पे साइन प्लस का है, तो यहाँ पे आप प्लस लगा लें तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है। और अब इस पे आते हैं, यहाँ पे प्लस टेन एक्स है और ये खाली एक्स है, खाली एक्स का मतलब बता चुका हूँ होता है वन एक्स, तो प्लस माइनस माइनस, आप टेन में से वन माइनस कर दें क्योंकि आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो टेन में से वन माइनस करेंगे नाइन एक्स आएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का वो है टेन, उसके पीछे प्लस का साइन है, तो यहाँ पर आएगा प्लस। तो आपके पास आंसर आ गया फोर एक्स स्क्वेयर प्लस नाइन एक्स। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया इसका पार्ट नंबर डी।